गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथ फंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट सेवन वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सेवन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 7 नंबर पे है और प्रश्नावली है आपका 5.3। कह रहा है कि एक एपी में प्रथम पद यानी कि ए का मान दिया है 8, अच्छा एनवा पद यानी ए एन दिया है 62 और एन पदों का योग यानी एस एन दिया है 210। क्या निकालना है? तो एन का मान निकालना है और डी का मान निकालना है, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है और सार्व अंतर निकालना है। देखिए यहाँ पे जब ए और एन दिया रहे तो और एस एन यहाँ दिया है आपका 210, तो पहले तो आप एस एन को ही लिखिएगा, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ताकि इस वैल्यू को यहां आसानी से रख सके। एन बाई टू ब्रैकेट में ए के जगह पे 8 और एन के जगह है 62 बराबर में 210। एन बाई टू ये कितना हो जाएगा जोड़ने पे 70 ना, और बराबर में आपका 210। इसको इससे काट देते हैं 35 बार में, 35 गुना में उधर जाके भाग में होगा ना, तो 210 और बटा में 35 काट देंगे 6 बार में, यानी एन का मान क्या आ गया यहाँ से 6। जब एन का मान आ गया तब आसानी से डी निकल सकता है, क्योंकि चूंकि आपका एन का मान दिया है 62 तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 62। अब यहाँ मानों को रखते हैं तो ए का मान क्वेश्चन में तो 8 दिया है प्लस एन हम लोग 6 निकाल दिए हैं माइनस 1 इंटू डी बराबर में 62। चलिए तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5d बराबर में 62, यानी 5d बराबर 62 माइनस 8 है ना, यानी कि 5d बराबर यहां से हो जाएगा 54, डी का मान आ जाएगा 54/5, तो डी का मान 54/5 और एन का वैल्यू जो हो गया आपका 6 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 का 8 नंबर। कह रहा है कि एपी में एनवा पद यानी कि एन का मान दिया है 4, डी यानी कि सार्व अंतर दिया है 2 और एस एन यानी एन पदों का योग जो दिया है माइनस का 14। आपको निकालना है एन का मान क्या होगा और ए का मान यानी कि पदों की संख्या और प्रथम पद निकालना है। चलिए तो यहाँ देखिए आपका ए एन बराबर दिया है 4, तो आप एन का फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 4। ए तो दिया नहीं है और एन भी नहीं दिया है, डी का मान दिया है तो यहाँ रख देते हैं, 2 दिया है रख दिए। चलिए तो ए प्लस यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2n माइनस 2 बराबर में 4। यहाँ से अगर ए का मान निकाले तो ए बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 2n और प्लस का 2, ये दोनों इधर आ गया तो ए बराबर यहां से आ जाएगा आपका 6 माइनस 2n। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब एस एन का मान माइनस 14 दिया है उसको लेके चलते हैं, चूंकि एस एन बराबर दिया है माइनस का 14 तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, तो ये वाला लगाते हैं एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन यही वाला लगाते हैं, इससे आसानी से आ जाएगा। दूसरे वाले से भी आ सकता है लेकिन इससे आसानी से आ जाएगा क्योंकि ए एन का मान इसमें दिया हुआ है। चलिए एन बाई टू और ए के जगह जो है ना ये वाला मान रखते हैं 6 माइनस 2n और an का जो मान है ना क्वेश्चन में आपका 4 दिया है। ठीक है, और बराबर में है माइनस का 14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ n बाई टू ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा 6 4 10 और माइनस का 2n बराबर में माइनस का 14। चलिए इसमें गुना कर देते हैं, तो गुना करिएगा इसमें इससे, तो ये देखिए इससे ये कटेगा तो आ जाएगा 5n माइनस, इसमें जब इससे गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, एन एन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर में माइनस का 14, यानी माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 5n और ये माइनस वाला इधर आके प्लस का 14 बराबर में 0। माइनस से गुना कर देंगे सबका साइन पलट देंगे। चलिए अब इसका गुणनखंड करेंगे, एन का मान निकालेंगे। चलिए तो गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर में 0। देखिए घटेगा तो यह आ जाएगा, गुना करने पे इनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा कि नहीं। चलिए यहाँ पे n कॉमन होगा n माइनस 7 बचेगा, प्लस 2 कॉमन होगा n माइनस 7 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया कि नहीं, तो n माइनस 7 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ बच जाएगा n, यहाँ बच जाएगा प्लस का 2, यहाँ से अलग अलग कर दीजिए n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0, यानी n का मान यहाँ से 7, यहाँ n का मान माइनस 2, तो आप जानते हैं है ना कि n का मान है ना यानी पदों की संख्या एक प्राकृत संख्या के रूप में होती है ना, पदों की संख्या एक प्राकृत संख्या के
रूप में होती है, यानी हमेशा एक प्राकृत संख्या के रूप में ही होता है, ठीक है, पदों की संख्या। यानी कि यहां से n बराबर क्या आ जाएगा, 7, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा, ये आपको रिजेक्ट कर देंगे, माइनस का 2 रिजेक्ट कर देंगे, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, समझ गए। तो n का वैल्यू 7 आ गया आपका, समझ गए। अब आपको a का मान निकालना है, तो एक काम करते हैं, लिख देंगे n का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या था, तो समीकरण एक था आपका a बराबर 6 माइनस 2n, है ना, यही ना था आपका। चलिए तो यहां हो जाएगा a बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7, यानी कि हो जाएगा a बराबर 6 माइनस 14, यानी कि यहां से आ जाएगा यहां पे माइनस 8, समझ गए ना a का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 9 नंबर कह रहा है, एक एपी में a का मान 3 दिया, यानी प्रथम पद 3 दिया है ना, और एन का मान दिया है 8, एन का मान यानी कि पदों की संख्या 8 दी है, और एस दिया है, एस का मतलब या एस लिखिए या एस एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 192 दिया है। तो आपको निकालना है डी का मान, यानी कि आपको निकालना है सार्व अंतर। चलिए तो एस एन बराबर 192 दिया है, 192 दिया है, तो यहाँ फॉर्म लगा दीजिए, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 192। तो यहाँ मान को रखते हैं ना, जो जो मान दिए हुए हैं, तो n का मान यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया है, है ना, और बट्टा में क्या रखेंगे, 2 ब्रैकेट में 2a के जगह पे आपका 3 और प्लस n के जगह पे 8 माइनस 1 और d को निकालना है, बराबर में है आपका 192। ये कटेगा कितना बार में, 4 बार में, इस 4 को पहले इधर भाग में भेजिए देते हैं, ध्यान देखिए ये इसको भी गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस यहाँ घट जाएगा 7d बराबर 192 बट्टा में 4। चलिए इसको काटते हैं अब आगे, तो कितना बार में कटेगा ये आपका, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 8 32, यही ना आएगा आपका। अब 6 को ले जाकर उधर घटा दीजिए तो 7d बराबर हो जाएगा 48 माइनस में 6, यानी 7d बराबर आ जाएगा यहाँ से 42, यानी कि d का मान आ जाएगा कितना, 42/7, 42/7, 7 6 42, यानी d का मान कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ से आपका d का मान आ गया, समझ गए। चलिए 3 का 10 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि एक एपी में l बराबर 28, l का मतलब क्या, वही लास्ट टर्म अंतिम पद, l बराबर दिया है 28, अच्छा s दिया है 144, यानी s लिखिए या s लिखिए की बात होगा, और कुल पद 9 है, यानी कि n का मान दिया है 9, आपको a का मान ज्ञात करना है, तो ये तो आसानी से बन जाएगा, Sn बराबर दिया है 144, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, Sn का शॉर्ट वाला लगाएंगे, L दिया है ना, इसलिए n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l भी तो लिख सकते हैं ना इस an के जगह पे, चलिए बराबर में 144, तो n का वैल्यू दिया है 9, 9/2 ब्रैकेट में a के जगह a ही रहेगा, और l का मान दिया है आपके पास 28, है ना, चलिए और बराबर में है 144, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 28 बराबर में 144 गुना 2 और भागा में आ जाएगा 9। चलिए इसको इससे काट देते हैं, तो कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में, है ना, 16 दुना कितना आ जाएगा, 32, तो a प्लस 28 बराबर में आ जाएगा 32, यानी कि a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28, यानी a का मान यहाँ से निकल जाएगा 4, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि आपको कितने पद लेने चाहिए, यानी एन का मान निकालना है। देखिए आपके पास एपी दी हुई है, एपी दिया हुआ है, क्या दिया है, तो एपी आपके पास यहाँ है 9 है, 17 है, 25 है, .. ऐसे पद है, तो कितने पद लेने पर, यानी कि मान लेते हैं, माना एपी के एन पदों को लेने पर योग 636 प्राप्त होगा, हाँ 636 प्राप्त होगा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो मान होगा अब एस एन का मान हो गया 636। एपी में जो है प्रथम पद देखिए आपका 9 है, और d निकालिएगा तो हो जाएगा a2 - a1, यानी d बराबर हो जाएगा 17 और माइनस में 9, यही ना होगा, यानी d बराबर आ जाएगा आपका 8, d का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, Sn बराबर आपका 636 है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, n बाई 2 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 636। इतना ठीक है। अब यहाँ पे जो मान दिए हैं इनको रखते हैं, तो n तो निकालना ही है, तो n बट्टा में 2 ब्रैकेट में 2, a का मान कितना है, a का मान है 9 प्लस n का मान तो निकालना ही है माइनस वन, और d का मान कितना है 8 है, और बराबर में आपका 636। आगे सॉल्व करिए, यहाँ पे देखते हैं n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर होगा 9 दुना 18 प्लस में 8n माइनस 8 बराबर में 636। चलिए यहाँ पे n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा यहाँ से 8n प्लस में 10 बराबर में 636। चलिए एक काम करते हैं, चाहे तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं दो, या डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो कॉमन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, तो गुना करना हमको ज्यादा इजी लग रहा है। इसमें से गुना करिएगा ये कटेगा 4 बार में तो आ जाएगा 4n स्क्वायर, इसमें से गुना करिएगा तो ये कटेगा 5 बार में और आ जाएगा प्लस का 5n, और इसको इधर लेके चलिए माइनस का 636 बराबर में 0। अब देखिए आपको गुणनखंड करना है, तो देखिए इसमें इससे गुना करिएगा, इसमें इससे गुना करिएगा तो आएगा माइनस का 2544n स्क्वायर। तो बीच वाले को ऐसे दो भाग में करना होगा ना कि कितना आ जाए माइनस का है ना 2544 आ जाएगा, सॉरी 2544n स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए तोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग 4n स्क्वायर, ठीक है, और लेते हैं प्लस का 53n और माइनस का 48n, देख लीजिए घटेगा तो 5n आ जाएगा और गुना होगा तो इस इतना आ जाएगा। गुना करके आप चेक कर सकते हैं माइनस 636 बराबर में 0। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो n कॉमन होगा ना, तो यहाँ n कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा आपका कितना 4n और प्लस में कितना 53, माइनस है माइनस दीजिए। इन दोनों में यहाँ क्या कॉमन होगा, तो 12 कॉमन हो जाएगा, तो 12 कॉमन करिएगा तो ये 12 चौक 48 यानी 4n, और यहाँ साइन बदलेगा प्लस हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 53। देखिए दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, तो 4n प्लस 53 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा माइनस का 12 बराबर में 0। यहाँ से अलग अलग करेंगे, एक हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0 और एक हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से n के मान तो दो आएंगे, देखिए 4n बराबर हो जाएगा माइनस का 53 यानी n बराबर माइनस 53 बट्टा 4 और यहाँ से माना जाएगा n का 12। तो चूंकि आपको पता है कि पदों की संख्या एक प्राकृत संख्या का रूप होता है, प्राकृत संख्या का रूप होता है, है ना, यानी इसलिए आपका n का मान क्या आ जाएगा 12, यानी 12 पदों को जोड़ने पर 636 योग प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी कि a बराबर दिया है 5, अंतिम पद कितना है 45। तो मान लेते हैं कि माना एपी में कुल n पद हैं, ठीक है, कितना मान लेते हैं n पद है, यानी अंतिम पद यानी अब n दिया है कितना आपका 45 दिया है, और उनका योग यानी कि sn n पदों का योग जो दिया है आपका दिया है 400। तो पदों की संख्या यानी वही n का मान निकालना है, और दूसरा सार अंतर ज्ञात कीजिए यानी कि d का भी मान निकालना है। चलिए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए sn वाला, ठीक है, sn बराबर 400 दिया है। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि a और n दिया इसलिए डायरेक्ट sn लगा रहे हैं। तो n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस an, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर में आपका 400, ठीक है। तो यहाँ n के जगह, तो n का तो मान निकालना है, a के जगह कितना आएगा 5 और प्लस an के जगह आ जाएगा यहाँ पे 45 और बराबर में 400, यानी कि n बाई 2 ये आपका जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 50। दो से काट सकते हैं ना इसको, चलिए इसको काटते हैं यहाँ से 25 बार में, यानी n बराबर आ जाएगा 400 और बटा में 25। तो इसको 25 से इसको काट देते हैं, कितना बार में कटेगा 16 बार में क्या, तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 16 आ गया, तो n का मान निकालना था 16 आ गया, पदों की संख्या आ गई। अब d का मान निकालना है, सार अंतर निकालना है, तो सार अंतर निकालने के लिए n बराबर 45 दिया उसी से हो जाएगा। तो चूंकि n बराबर दिया है आपके पास 45, तो फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 45। a का मान तो दिया ही है 5
फाइव दिया है ए का मान, तो ए का मान यहाँ रख देते हैं फाइव प्लस एन, तो एन का मान यहाँ निकाले हैं सोलह माइनस वन और डी आपको निकालना है बराबर में आपका 45। पांच को पहले घटा देंगे और यहाँ आपका पहले इसको घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा फाइव प्लस 15D बराबर में यहाँ पे आपका 45। ठीक है, अब यहां से आप लिख दीजिए कि 15D बराबर 45 माइनस 5, यानी कि 15D बराबर 40, यानी D बराबर आ जाएगा 40/15। इसको काट देते हैं, तो काट दीजिएगा 5 से 5 15 5 8 40, डी का मान कितना आ गया 8/3, यानी कि यहां से आपको पता चल गया पदों की संख्या बराबर में है 16। पदों की संख्या क्या है 16 है, और आपका सार्वंतर जो आ गया वो 8/3 आ गया। समझ में आया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, तो लिख लेते हैं कि माना एपी में कुल एन पद हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एन पद है, तो प्रथम पद दिया है यानी ए का मान दिया है 17 और अंतिम पद यानी कि एन दिया है आपके पास 350, और यदि सार्वंतर यानी कि डी का मान 9 हो तो इसमें कितने पद हैं, यानी कि वही एन का मान निकालना है और फिर क्या निकालना है इसका योग भी, यानी कि एस एन का भी मान निकालना है। तो चलिए यहां देखिए एन दिया है ना, एन दिया है कितना 350, तो इसी का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 350। ए का मान कितना दिया है 17 प्लस एन का मान तो निकालना ही है, और डी का मान आपके पास दिया है कितना 9 दिया है और बराबर में 350, तो 17 को पहले ले जाइए तो घटा दीजिए, तो एन माइनस वन इंटू नाइन बराबर 350 और माइनस का 17, तो यहां घटा देते हैं। चलिए तो आ जाएगा n माइनस वन इंटू में 9 बराबर में 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 333 आ जाएगा क्या, है ना। चलिए तो अब 9 को भाग में भेज देते हैं, तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा 333/9। 9 से इसको कितना बार में काटेंगे तो 9 3 27 और 6 9 7 63, यानी कि n बराबर आ जाएगा 37+1, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 38 आ गया, यानी यहाँ की पदों की संख्या निकल गई। अब क्या निकालना है, पदों का योग निकालना, यानी कि एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या दूसरा आप वो भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ एन दिया हुआ है, एन का मान दिया है ना, तो दूसरा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों से आ सकते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग इसी से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन के जगह यहाँ कितना रखेंगे 38 रखेंगे, 38 और बट्टा में 2, एन का मान 38 और बट्टा में 2, ब्रैकेट में 2, और ए का मान कितना है, तो ए का मान दिया है कितना दिया है ए का मान 17 है, डी का मान 9 है। चलिए तो यहां रखेंगे ए का मान 17 है ना, एन का मान 38 माइनस 1 और डी का मान है आपका 9, डी का मान आपका 9 दिया है ना। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ये तो कट जाएगा ना 19 बार में, 19 2 38 होता है, तो 19 और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ 17 2 34 और प्लस यहाँ देखिए घटाइएगा तो आ जाएगा 37 और 37 में हम लोग 9 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 333। चलिए तो यहाँ पे 19 इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 367 ना, 19 से गुना हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 6973, यानी कि n पदों का योग इसका 6973 और पदों की संख्या 38 आ गई। यहां लिख देंगे पदों की संख्या बराबर में 38 और है ना पदों का योग 6973 आ गया। समझ गया, 6973 ये आपका 3 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कह रहा ना कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एन का मान दिया है यहाँ पे 22, ठीक है, और डी बराबर दिया है 7 और कह रहा है इसका 22वां पद जो है 149 है, तो इसमें हमें क्या करना है कि 22 पदों का योग यानी कि एस एन का मान, यानी कि या ऐसे कह सकते हैं एस एन कहिए या एस 22 कहिए, या एस 22 का
मान निकालना, यानी कि प्रथम 22 पदों का योग निकालना। तो ऐसे हम n का मान 22 लिखा है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या s 22 भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन में यहाँ देखिए, पहले देखिए a 22 बराबर दिया है 149, तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो a 22 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस 21 डी बराबर में 149। ऐसा क्यों करें, ताकि a का मान निकाल सके। a प्लस 21 और गुना d का मान क्या हो जाएगा, 7 बराबर में 149। तो a प्लस इसमें से गुना करेंगे तो 147 आ जाएगा ना। चलिए तो आप बराबर में लिखिए 149, यानी कि a बराबर आ जाएगा 149 माइनस में 147, यानी कि a का मान यहां से कितना आ गया, 2 आ गया। a का मान कितना आ गया, 2। चलिए अब Sn का फॉर्मूला यहां लगा दीजिए। तो Sn बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n बाई 2 a प्लस an, क्योंकि यहां देख 22 पदों का योग, 22वां पद भी दिया है, हमें 22 पदों का योग निकालना है, तो ये आसान रहेगा। n के जगह पहले तो आप 22 रख दीजिए, s 22 बराबर हो जाएगा 22 बटा 2, और a का मान तो आपका 2 आ ही गया है, और यहां ये हो जाएगा a 22, समझ गए ना। n के जगह पहले 22 रख दिए हैं, ठीक है। तो यहां से ये कट के 11 हो गया, 11 ब्रैकेट के अंदर 2 और प्लस a 22 का मान दिया है 149। चलिए यहां पे हो जाएगा s 22 बराबर 11 और गुना में हो जाएगा 151, ये जुड़ेगा तो 151 ही ना होगा, तो 11 में 151 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1661, यानी 22 पदों का योग जो हुआ, प्रथम 22 पदों का योग 1661 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एन का मान यहाँ पे देखिए 51 का आ रहा है, अच्छा जिसका दूसरा और तीसरा क्रमशः 14 और 18, यानी कि यहाँ पे दूसरा पद जो है ना 14 दिया है और तीसरा पद जो दिया है ना 18 दिया है। तो यहाँ से a2 बराबर 14 दिया है ना, चूंकि a2 बराबर 14 दिया है तो इसको a प्लस डी नहीं लिख सकते हैं, यानी कि बराबर में 14 समीकरण एक मान लीजिए, और दूसरा दिया है a3 बराबर में 18, तो इसको a प्लस 2d नहीं लिख सकते हैं, बराबर में 18, ये समीकरण दो मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से, तो समीकरण एक है a प्लस डी बराबर में 14 और दो है a प्लस 2d बराबर में 18। यहाँ साइन बदलिए, माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस का d बराबर में माइनस का 4 है ना, तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से d का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब d का मान समीकरण एक या दो किसी में रख सकते हैं, d का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखना आसान रहेगा, रखने पर चलिए, तो समीकरण एक है आपका a प्लस डी बराबर में 14, तो a और d का मान यहाँ 4 रखेंगे बराबर में 14, तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी यहाँ से a का मान जो आ गया 10 आ गया और d का मान आपका 4 आ गया। आपको क्या निकालना है, तो इसके 51 पदों का योग निकालना है ना, प्रथम 51 पदों का योग। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, चलिए तो Sn बराबर होगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो प्रथम 51 पदों का योग ना, तो यहाँ 51 रखना होगा, चलिए तो 51 रखेंगे, तो s के n के जगह 51 इधर रख दिए, यहाँ भी रखिए 51 बटा में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a के जगह पे 10 प्लस 51 माइनस 1 और d का मान यहाँ कितना है 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो कटेगा नहीं, तो s 51 बराबर लिखेंगे आप इस तरह से, 51 बटा 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ कितना हो जाएगा 20 और प्लस देखिए घटेगा तो 50, 50 का कितना हो जाएगा 200। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करिएगा, तो s 51 बराबर में हो जाएगा 51 बटा 2, यहाँ देखिए ये जो होगा आपका जुड़ जाएगा ना यहाँ 220, अच्छा इसको इससे काट देंगे, कितना बार में कटेगा 110 बार में, यानी कि s 51 बराबर यहाँ से जाएगा 51 में 110 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5610, 51 पदों का योग निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहे हैं यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है, प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है और प्रथम 17 पदों का योग यानी कि 17 पदों का योग 289 दिया है, ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn बराबर क्या होगा ये आपको निकालना है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखिए S7 बराबर दिया है आपके पास 49 है ना, आप फॉर्मूला तो यहाँ जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं Sn बराबर होता है n बाई 2
ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये ना होता है, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस इनके जगह 7-1 इंटू में डी बराबर में 49। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब एक काम करते हैं, अंदर पहले सॉल्व करते हैं, 7/2 अंदर हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर में 49। ठीक है, तो वहां 2 कॉमन होगा, यहाँ हो जाएगा 7/2, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा इंटू में और ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस 3d बराबर में 49। यहाँ से 2 से 2 कट गया, 7 को ले जाएंगे भाग में तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 49/7, कट जाएगा 7 बार में ना, तो a प्लस 3d बराबर 7, एक समीकरण आ गया। अब दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, तो ये s 17 बराबर दिया ना 289, इसको लेके निकालेंगे, तो चूंकि प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया है तो इसका भी उसी तरह से 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर में आपका 289। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं, 17/2 2a प्लस यहाँ घटेगा तो 16d और बराबर में 289, अंदर 2 कॉमन करिए तो 17/2 यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो अंदर बच जाएगा आपका a प्लस 8d बराबर में 289। इससे ये काट देते हैं, 17 जाएगा भाग में ना यहाँ पे, चलिए तो a प्लस 8d बराबर 289 और बटा में 17। ठीक है, अब 17 से इसको काटिएगा तो ये 17 बार में कट जाएगा तो a प्लस 8d बराबर में आ गया ये 17, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 से ad निकालेंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 आपका क्या था, तो a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है, और ये है a प्लस 8d बराबर 17, तो 2 को ऊपर लिखिए तो ठीक रहता है, a प्लस 8d बराबर 17 बड़े वाले को ऊपर लिख दिए और वो है a प्लस 3d बराबर में आपका 7, ये समीकरण 2 था और ये समीकरण 1 है। ऐसा लिखे इसलिए ना ताकि इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको नीचे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम प्लस में आने के लिए लिखे हैं, दोनों तरफ प्लस में आएगा तो आसान लगेगा, तो साइन बदलते हैं यहाँ पे, माइनस 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 ये कट जाएगा, 5d बराबर में हो जाएगा 10, यानी d बराबर आ जाएगा 10/5, कट जाएगा 2 बार में, यानी यहां से d का मान कितना गया 2, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 3d बराबर, सॉरी a प्लस 3d बराबर में 7, तो यही ना है, तो यहाँ पे d का मान रख देते हैं, a प्लस 3d के जगह पे 2 बराबर में 7, तो a प्लस 6 हो जाएगा बराबर में 7, यानी a बराबर हो जाएगा 7-6, यानी a का मान कितना आ गया, 1 आ गया और d बराबर 2, a का मान 1 और d का 2 आ गया। आपको क्या निकालना है, n पदों का योग यानी sn निकालना, तो sn बराबर होता है n by 2 2a प्लस n minus 1 into d। चलिए यहाँ a और d का मान रख देते हैं, तो n के जगह n ही रखना है क्योंकि n पदों का योग पूछ रहा है, ठीक है, तो n के जगह कोई चेंज नहीं करना है, 2 a के जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे आपका कितना है 2 दिया। चलिए तो sn बराबर हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2n माइनस 2 इंटू कर दिया, ये 2 से 2 कट जाएगा। चलिए अगले स्टेप में यहाँ sn बराबर हो जाएगा n बट्टा 2 और गुना में 2n, तो 2 से 2 यहाँ भी कटेगा, यानी sn बराबर आ जाएगा n स्क्वायर, यानी कि n पदों का योग जो हो गया वो आपका कितना आ गया, n स्क्वायर आ गया, समझ गए। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इनसे रिलेटेड आपको किसी भी सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301-77-88-99 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप, एसएमएस कॉल कभी भी नहीं करेंगे। धन्यवाद।